हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया जॉब कॉन्फर्मेशन लेके आया हूँ जो कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन करीबन 5 जुलाई को रिलीज़ किया था। और यहाँ पे लिखा है दोस्तों, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो ये एंगेजमेंट मतलब आप लोगों का ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब होने वाला है। ठीक है, और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 7 जुलाई टू 31 जुलाई। तो दोस्तों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट होगा 31 जुलाई। ठीक है, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ए महाराष्ट्र एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वाइट। तो कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी तरह गवर्नमेंट के अंडर में आप लोगों का जॉब होने वाला है। ठीक है, तो नीचे चले रहे वैकेंसीज के डिटेल्स जानने के लिए। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के लिए रीजन NER मतलब ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट HR एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आता है असम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ वैकेंसीज ऐसा डिवाइड किया हुआ है उन लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये गए असम का, उसके बाद आएगा मणिपुर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मणिपुर के लिए ऐसा ऐसा कुछ वैकेंसीज है। तो मणिपुर के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेघालय रीजन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अप्रेंटिस का नाम ITI डिप्लोमा सिविल ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट सिविल ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस HR एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी असिस्टेंट CSR एग्जीक्यूटिव। तो ये सब वैकेंसीज डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। उसके बाद आता है मिजोरम, उसके बाद आता है नागालैंड। तो कुछ ऐसा उन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को पास होकर ठीक तरह से देख लेना। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे है त्रिपुरा। तो दोस्तों अब आता है दोस्तों एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आप लोग दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के लिए ITI इलेक्ट्रिशियन फुल टाइम कोर्स, और आप लोगों के लिए सैलरी लिखा है 7000 पर मंथ। ठीक है, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम 3 ईयर्स कोर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा सिविल के लिए फुल टाइम 3 ईयर्स कोर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद फोर्थ ईयर ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो कुछ ऐसा उन लोग आप लोगों का क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, इसके लिए BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद 6 नंबर पर है ग्रेजुएट सिविल के लिए फुल टाइम 4 ईयर्स BE BTech BSc, ऐसा कुछ हम लोगों का क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग राइट साइड पे देख लेना सैलरी कितना कितना यहाँ पे मेंशन किया है, 15000 12000 ऐसा कुछ करके आप लोगों का सैलरी मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद 7 पे है ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए फुल टाइम 4 ईयर्स कोर्स BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद HR एग्जीक्यूटिव MBA आप लोगों का चाहिए HR एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, उसके बाद CSR एग्जीक्यूटिव के लिए 2 ईयर्स फुल टाइम मास्टर इन सोशल वर्क्स एंड और रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट। इसके लिए सैलरी मेंशन किया है आप लोगों को 15000। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे है 10 प्रैक्टिकल असिस्टेंट, इसके लिए चाहिए सिर्फ 10 पास। ठीक है, 10 क्लास एग्जामिनेशन नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी सेक्रेटरियल कमर्शियल प्रैक्टिस एंड और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इसके लिए सिर्फ 10 पास चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग 10 पास हो तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो अब बताए दोस्तों अप्लाई कैसे करना है इन बैचेस को। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, एज लिमिट आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है नॉट कम्प्लीटेड द 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप लोग बिलो 18 ईयर्स हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो 18 ईयर्स का आप एबव होना चाहिए आप लोगों का एज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन कैंडिडेट शुड फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ। तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लोगों को मेन फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो फाइनल एप्लीकेशन है उसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग एक एक करके फिलअप करके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न डेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो आप लोग, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट होगा 31 जुलाई। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अप्लाई करना अगर इंटरेस्टेड है तो। चलो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर लेना। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो देखकर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू मिथिला एंड कांचिकान।